कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे डिजिटल हेड आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, अभी अभी एनडीए खेमे ने सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है, लेकिन हमारी नजर जेडीयू नेता को ढूंढ रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जेडीयू नेता कहीं नहीं नजर आए हैं। हालांकि जेडीयू को 2 सीटें दी गई है, लेकिन जो देखने को मिला मंच पर उसे किस तरह से आप देखेंगे? बिल्कुल, अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जेडीयू का कोई भी नेता जो 2 सीटें मिली है उसके बाद फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। हमने कई नेताओं से बात की है जो पूर्व मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान जेडीयू के झारखंड के और राज्यसभा सांसद भी है खीरू महतो, उनको भी फोन मिलाया गया। उन्होंने भी इस पर कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि इस मसले पर आप राष्ट्रीय नेताओं से बात कीजिए। वैसे ही और भी प्रवक्ता है, उनसे भी बात करने की कोशिश हुई लेकिन उनको अभी तक शायद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो और तीसरी चीज ये कनेक्ट किया जा सकता है कि पीसी में जेडीयू का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी में 2 सीटें दी जाती है, जबकि पहले से ही वो लोग दावा कर रहे थे या खीरू महतो जब यहाँ पहुंचे थे तो 11 प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने दी थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी सूरत में हम 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 2 सीट लेने से इनकार किया था उन्होंने जी। कम से कम 3 पर भी बात बनती तो शायद चीजें ऐसी नहीं होती जो फिलहाल दिख रही है। हालांकि जब प्रतिक्रिया आएगी तो क्या अंदर खाने में है वो चीजें क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल जब तक हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ अंदर खाने गड़बड़ जरूर नजर आ रहा है। जेडीयू सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है जी। और जेडीयू को एक तरीके से कहा जाए कि नाराज भी है जेडीयू तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 सीट कम से कम जेडीयू चाह रहा था कि मिले ही मिले, लेकिन फिलहाल 2 सीट। हालांकि हिमंता बिश्व शर्मा या फिर सुदेश महतो या बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही है कि 810 सीटें 2 जेडीयू को और 1 LJP R2 सीटें, तो पूछा गया कि क्या रेस्ट तमाम सीटें बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग स्ट्रेटेजी के तहत अपनी सीटों का फिलहाल ऐलान नहीं कर रहे हैं कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अंतिम वक्त में या सामने वाले के प्रत्याशी की लिस्ट जब विरोधी खेमा लिस्ट जारी कर देगा उसके बाद हम लोग 1-2 सीट पर इधर उधर कर सकते हैं। यानी कि अगर आसू के उम्मीदवार वहां पे मजबूत हैं और बीजेपी के खाते में वो सीट गई है तो वो आसू के खाते में जा सकती है, और जहां पर आसू के उम्मीदवार कमजोर है बीजेपी का मजबूत है वो एक्सचेंज हो सकता है, उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, सिंबल बदला जा सकता है। वैसे ही मुझे लगता है कि शायद 1-2 सीटों की जो चर्चा हो रही है वो जेडीयू की नाराजगी को लेकर ही चर्चा हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है कि अभी भी संभावना खत्म नहीं हुई है, आप टेबल पे बातचीत कीजिए, हम लोग मतलब चुनाव में सब कुछ स्मूथ तरीके से जाएंगे, ये एकजुटता दिखाने की जरूर कोशिश हुई है। लेकिन पीसी के दौरान ही चूंकि जेडीयू का प्रतिनिधि कोई नहीं था तो चर्चा का बाजार गर्म है, कयासों का दौर जादू है, हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं सामने आ पा रहा है तो इससे भी चर्चा का बाजार और गर्म होता जा रहा है कि शायद जेडीयू नाराज है। दीपक, बिल्कुल आशुतोष जी, संभवतः बीजेपी को इस बात का आभास होगा, तभी तो उन्होंने अपने कोटे की तमाम सीटों पर रिजिड होकर नहीं कहा सीटों पर लड़ेंगे, सीटें इधर उधर कोऑर्डिनेशन में चेंज किया जा सकता है, तो बीजेपी को आभास है और जेडीयू नेता की गैर मौजूदगी ये सार्वजनिक तौर पर भी दर्शा रही है, तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल को लेकर अभी से चल रही है कि कोई नुकसान ना हो, सहयोगियों को किसी तरह साथ रखा जाए, 1-2 सीट कुर्बान अगर करनी पड़े तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी को बखूबी पता है कि नीतीश कुमार के 12 सांसद है और उनकी वजह से ही केंद्र में आज की तारीख में मजबूती से बीजेपी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो नीतीश को सिरे से मतलब डायरेक्टली नाराज नहीं किया जा सकता है, तो ये कोशिश जरूर हुई होगी और अभी भी हो रही होगी कि किसी तरीके से मैनेज हो जाए। लेकिन जेडीयू की जो मांग है, कह सकते हैं कि जेडीयू भी मजबूर दिख रहा है वहां पर, चूंकि जो प्रत्याशी हैं या जो वहां के नेता हैं वो चाह रहे हैं कि 2 सीट से ज्यादा हमें मिले, इसलिए चूंकि छतरपुर से मंजू चौधरी जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। 2019 में अकेले जब जेडीयू और बीजेपी चुनाव अकेले के लिए लड़ा था तब 9000 के आसपास वोट भी आया था सुधा चौधरी को जी। उसी तरीके से एक मांडू की सीट भी थी जो कि आसू के खाते में चली गई है, वो खीरू महतो डिमांड कर रहे थे, कहा जा रहा था कि शायद वो अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं, कंफर्म नहीं है। तो
उस पर भी आचूर उठाते में वो सीट चली गई। तो ये सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से जेडीयू फिलहाल बोलने से कुछ भी बच रहा है और थोड़ा सा इंतजार करने की बात कह रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो अभी चीजें छनकर सामने आ रही, जो तस्वीरें दिख रही है और जो पीसी का जो ये था उसको देख करके जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग का जो मसला है या पेच है वो पूरी तरीके से नहीं सुलझा है। सुलझाने की कोशिश हुई है, दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ न कुछ एक आध सीटों पर मसला फंसा हुआ है। और आने वाले दिनों में आपने देखा भी होगा कि कई कुछ बदलाव इन सीटों पर हो सकता है। आशुतोष जी, एक छोटी सी चीज और, बीजेपी पर आप दबाव बनाकर उससे सीट नहीं ले सकते हैं। ये बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं, पहले भी कहा जा चुका है कि आप ब्लैकमेल करने वाली राजनीति बीजेपी के साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमने कई राज्यों में भी देखा है। लेकिन अगर यहाँ बात करें झारखंड में, तो जब तक कोई मजबूत एकदम कद्दावर नेता, सीट निकाल लेने की क्षमता रखने वाला नेता नहीं हो, तो क्या सीट ऐसे ही दान दी जा सकती है? नहीं, देखिए यही तो कोशिश हो रही है कि ऐसे ऐसे ही चीजें नहीं चली जाए, ऐसे ही सीटें नहीं दी जाए। अब जैसे जमशेदपुर पश्चिमी हो गया, तमार हो गया, वहां दोनों जो उम्मीदवार हैं वो तत्कालीन मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, तो यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है जेडीयू के पास, बीजेपी ने वो सीट दे दी। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी को जिस उम्मीदवार के लिए जेडीयू सीट मांग रहा हो, बीजेपी को ये नहीं लगता हो कि वो उम्मीदवार सीट निकाल सकता है। और आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के अभी से ही एनडीए में पहली लिस्ट आने से पहले से लेकर के और एनडीए की लिस्ट जारी होने के बाद से ही भगदड़ की स्थिति है, यानी अनाउंसमेंट के बाद से ही। केदार हाजरा जो कि जमुआ के बीजेपी विधायक हैं, वो सीएम हाउस पर पता चल रहा है कि वो जेएमएम की सदस्यता लेने जा रहे हैं। आजसू के जो चंदन क्यारी से उम्मीदवार हुआ करते थे, जिन्होंने 2009 में अमर बावरी को हराया था, वो जेएमएम की सदस्यता लेने जा रहे हैं, चंदन क्यारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे कई नेताओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। ईचागढ़ में आजसू खाते में सीट जाने के बाद जो ईचागढ़ के जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार थे या बीजेपी के कार्यकर्ता तो चाह रहे थे कि बीजेपी को के खाते में वो सीट जाए, वहां के विरोध प्रदर्शन कल हुआ है प्रदेश कार्यालय के पास में। तो बीजेपी को यह भी पता है कि कहीं किसी को सीट देने की वजह से हमारे जो मूल कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है और जो समर्पित नेता है, वो लोग नाराज ना हो जाए, इसका उल्टा दाव न पड़ जाए, तो ये भी कोशिश हो रही है। वैसे पहले से ही बीजेपी बहुत सारी चीजें ऐसी कर चुकी है जिसकी वजह से लग रहा है कि कहीं पुराने नेता नाराज ना हो जाए। जैसे चंपाई सोरेन आए हैं, लोबिन हेमराम आए हैं, बरकट्ठा के अमित यादव आए हैं, उसी तरीके से घाटशिला से खबर चल रही है कि बाबूलाल सोरेन लड़ सकते चंपाई सोरेन। तो ये तमाम जगह पर बीजेपी के जो लोग पहले से थे वो ऑलरेडी नाराज है, तो अब ऐसे में नई नाराजगी मोली जाए और उसका नुकसान मतलब लार्ज स्केल पर हो, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, ये तक कीमत चुकानी पड़े, उसके लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि अभी भी कोशिश हो रही है कि जहां पे जो भी एक दो सीटों का मसला है उसको जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि इस विषय पर उनकी क्या राय है, वो भी अपनी राय इस वीडियो पर साझा करें। और क्या लगता है कि बीजेपी जो एक दो सीट कह रही है कि हम तालमेल स्थापित करेंगे, वो एक दो सीट जेडीयू को जा सकती है या फिर आजसू के सीटों की संख्या बढ़ सकती है? ये भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। कौन मजबूत दावेदार हो सकता है जेडीयू की ओर से, बीजेपी की ओर से कौन प्रबल दावेदार है, और आजसू के 10 सीटों पर कौन मजबूत दावेदार आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में ये राय जरूर बात करें, अपनी बात हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।